हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। सृजला गुहा रिसेंटली स्टार प्लस के शो दो दिल मिल रहे हैं में पीहू के रोल में नजर आ रही है, जो एक बंगाली शो का रीमेक है। पर क्या आपको पता है, सृजला को बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती थी। बंगाली होने के बाद भी बंगाली ना आने के पीछे की वजह क्या रही होगी, और सृजला की रियल लाइफ केमिस्ट्री किसके साथ चल रही है, कहां से कंप्लीट की उन्होंने अपनी एजुकेशन, और किन शोज का वो हिस्सा रह चुकी है, और कौन से रियलिटी शो में वो जल्दी ही नजर आएंगी। सृजला गुहा की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सृजला गुहा का जन्म 28 दिसंबर 1995 को मैक्सिको में हुआ था, और जब वो काफी यंग थी तभी उनके पेरेंट्स इंडिया शिफ्ट हो गए थे। दार्जिलिंग में उनकी परवरिश हुई और उन्होंने अपनी स्कूलिंग दार्जिलिंग के स्कूल से ही कंप्लीट की, पर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता शिफ्ट हो गई। स्कूल डेज में वो कोएड स्कूल में पढ़ा करती थी और उनके काफी मेल फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर क्योंकि तब उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, इसलिए वो लड़कों की सिर्फ अच्छी दोस्त बनी रही, उससे ज्यादा वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। पर आज वो किसी को डेट कर रही है और एक सीरियस रिलेशनशिप में है। कौन है वो लड़का, उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। हालांकि उनकी परवरिश कोलकाता में नहीं हुई थी, पर फिर भी उन्हें बंगाली बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके फादर बंगाली है, इसलिए उनके घर में हमेशा बंगाली एटमॉस्फेयर रहा करता था, और घर के सभी मेंबर्स भी बंगाली बोला करते थे, इसलिए सृजला ने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद ही बंगाली लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर ली। पर उनकी माँ एक पर्शियन है, और इसलिए सृजला हाफ बंगाली और हाफ पर्शियन कही जा सकती है। जब वो पहली बार कोलकाता गई थी तभी से उन्हें कोलकाता से प्यार हो गया था, और उन्होंने वहाँ जाकर मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और करीब 5 साल तक वो मुंबई की भी टॉप मॉडल रही। काम ने उन्हें कोलकाता और मुंबई के बीच हमेशा बिजी रखा, और कभी कोलकाता तो कभी मुंबई जाकर मॉडलिंग में वो लगातार हिस्सा लेती रही। लेकिन तब उनके माइंड में पढ़ाई का प्रेशर रहा करता था, और इसी वजह से उन्हें कभी सीरियल्स देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तब उनके फादर उनसे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे रूट्स बंगाल में है और तुम दिल से एक बंगाली ही हो, इसलिए बंगाल को कभी मत भूलना। अपने फादर की इन्हीं वर्ड्स की वजह से वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी एक सेपरेट ट्यूटर से साइड बाय साइड बंगाली क्लासेस भी लेती रही और बंगाली सीख गई, और टाइम के साथ बंगाली टीवी शोज की दुनिया में आ गई। मॉडलिंग के साथ ही काफी टीवी कमर्शियल्स और प्रिंट एड्स, ग्लैमर शूट्स में भी उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने साल 2013 में मिस समर 2013 का क्राउन भी जीता। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उड़िया फिल्म आ हरसई से साल 2015 में की थी, और उसके बाद वो अरुणव मुखर्जी की फिल्म जमाई बारा में भी देखी गई। साल 2019 की मूवी बंजारा में भी उन्होंने काम किया था, और ये एक प्यार भरी म्यूजिकल जर्नी पर बेस्ड मूवी थी। पर साल 2021 उनके करियर का गेम चेंजिंग ईयर साबित हुआ, और उन्हें वो शो मिला जिसकी वजह से उन्हें आज हर कोई जानता है, और वो शो था मोन फागुन, जो एक रोमांटिक ड्रामा शो था, और इसमें वो पीहू के रोल में देखी गई। ये उनका डेब्यू शो था, और इसमें वो सीन मैनेजर के अपोजिट कास्ट की गई थी। इस शो में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में सृजला ने बताया था कि उनका एक्टिंग में जीरो एक्सपीरियंस रहा है, और टेक्निकल चीजों में भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, और शूट के दौरान उन्हें पूरी टीम ने मदद की, और उनसे बोला गया था कि पीहू का रोल प्ले करते टाइम जैसी वो खुद है बस वैसी ही बनी रहे। टीम मेंबर्स के इसी एनकरेजमेंट की वजह से वो अपने रोल में जान डाल पाई, और सभी ने उनके रोल को काफी पसंद किया। पर शो में उनकी और सीन बनर्जी की केमिस्ट्री जितना फैंस पसंद कर चुके हैं, रियल लाइफ में उनकी और रोहन भट्टाचार्जी की रियल लाइफ केमिस्ट्री भी फैंस के बीच इतनी ही पॉपुलर है। काफी लंबे टाइम तक दोनों को एज अ कपल मीडिया में देखा जाता रहा था, पर अचानक ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें उड़ने लगी, पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हैं। सृजला जब मोन फागुन में सीन बनर्जी के अपोजिट काम कर रही थी, उसी दौरान रोहन भट्टाचार्जी भोजो गोविंदो सीरियल में काम कर रहे थे, और दोनों ही शोज काफी पॉपुलर भी हुए। उसी दौरान दोनों के डेटिंग रूमर्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल थे। रिसेंटली वो आजकल .in के फोटोशूट पर भी साथ देखे गए, और आज भी उन दोनों के फ्यूचर में साथ काम करने के प्लान्स हैं। इसके अलावा सृजला जॉन भट्टाचार्जी के अपोजिट एक रोमांटिक वीडियो में भी नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग 20 सितंबर से स्टार्ट होना तय है। इसके अलावा ये भी न्यूज है कि वो जल्दी ही स्टार जलसा पर एक शार्क टैंक से इंस्पायर्ड रियलिटी शो में भी नजर आने वाली है, और इसमें बंगाल की कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कंटेस्टेंट्स के रूप में बुलाया जाएगा। मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा सृजला को पोएट्री लिखने का बहुत शौक है, और उन्होंने रिसेंटली फॉरएवर जनवरी नाम की एक अपनी बुक भी लॉन्च की है। लास्टली, सृजला के लिए लाइफ पार्टनर वो है जो बुरे वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे, ना कि वो जो दिन में बार बार आई लव यू बोलता रहे। बेसिकली वो उनका हस्बैंड होने से पहले उनका अच्छा दोस्त होना चाहिए, और वो जिसको भी अपना मानती है उसे लेकर उनके मन में कभी भी कोई सेल्फिश मोटिव नहीं रहता। वैसे उन्होंने रोहन के साथ अपना
अपना फ्यूचर अभी तो प्लान नहीं किया है, पर रूहान फिलहाल उनकी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये थी पीहू यानी सृजला गुहा की लाइफ से जुड़ी अनजानी लाइफ स्टोरी जिसे आप सब देखना चाहते थे। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।